नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं पंडित राजगुरु शर्मा आप सभी का एक बार फिर से हमारे भाग्य खोज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं 29 सितंबर 2020 का तीन राशियों का राशिफल कैसा रहने वाला है, मेष, कन्या और मकर। लेकिन दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे भाग्य खोज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे भाग्य खोज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली हर ज्ञानवर्धक ऑडियो वीडियो समय समय पर देखने के लिए मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातक और जातिकाओं का 29 सितंबर 2020 का कैसा रहने वाला है राशिफल। विश्वास कीजिए कि खुद पर यकीन ही बहादुरी की असली परख है, क्योंकि इसी के बल पर आप लंबे वक्त से चली आ रही बीमारी से निजात पा सकते हैं। संदिग्ध आर्थिक लेन देन में फंसने से सावधान रहे, कुछ भी चालाकी भरे काम को करने से बचे, मानसिक शांति के लिए इस तरह के कामों में से दूर रहें। आप ये महसूस करेंगे कि फिजाओं में प्यार घुला हुआ है, नजरें उठाकर तो देखिए, आपको सब कुछ प्रेम के रंग में रंगा दिखाई देगा। काम काज के मोर्चे पर सबको सबसे स्नेह और सहयोग प्राप्त होगा। जिन रिश्तों को आप अहमियत देते हैं उन्हें समय देना भी आपको सीखना होगा। आपका अपने जीवन साथी के साथ तनावपूर्ण संबंध रह सकता है, जहां तक संभव हो बात को बढ़ने न दें। भाग्य अंक आज का 2 रहेगा। उपाय करना है कि जीव सेवा ही ईश्वर सेवा है। आज किसी लंगड़े या अपाहिज व्यक्ति की मदद करके आप ईश्वरीय अनुभूति को महसूस कर सकते हैं। यदि आज हम कन्या राशि के जातक और जातिकाओं के राशि फल के बारे में बात करें तो आज आपका स्वास्थ्य दुरुस्त रहने की पूरी उम्मीद है। अपने अच्छे स्वास्थ्य के चलते आज आप अपने दोस्तों के साथ खेलने का प्लान बना सकते हैं। बिना बताए आज कोई देनदार आपके अकाउंट में पैसे डाल सकता है, जिसके बारे में जानकर आपको अचंभा भी होगा और खुशी भी होगी। किसी नज़दीकी रिश्तेदार या मित्र की तरफ से मिली अच्छी खबर के साथ दिन की शुरुआत होगी। आप ये महसूस करेंगे कि फिजाओं में प्यार घुला हुआ है, नजरें उठाकर तो देखिए, आपको सब कुछ प्रेम के रंग में रंगा दिखाई देगा। तरोताज की ओर मनोरंजन के लिए बढ़िया दिन है, लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं तो व्यावसायिक लेन देन में सावधानी की जरूरत है। हितकारी ग्रह कई ऐसे कारण पैदा करेंगे जिनकी वजह से आज आप खुशी महसूस करेंगे। आज आप महसूस करेंगे कि जीवन साथी के साथ की अहमियत कितनी प्यारी होती है। भाग्य अंक आज का 9 रहेगा। उपाय करना है कि शुक्रवार को श्री सूतक का पाठ करना प्रेम संबंधों के लिए बहुत ही शुभदायक रहेगा। यदि आज हम मकर राशि के जातक और जातिकाओं के राशि फल के बारे में बात करें तो अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल किसी मुश्किल में फंसे इंसान की मदद करने के लिए करें। याद रखें, यह शरीर तो एक ना एक दिन मिट्टी में मिलने वाला है, अगर यह किसी के काम ना आ सके तो इसका क्या फायदा। आज आपके माता पिता से कोई आपको धन की बचत करने को लेकर लेक्चर दे सकता है। आपको उनकी बातों को बहुत गौर से सुनने की जरूरत है, नहीं तो आने वाले समय में परेशानी आपको ही उठानी पड़ेगी। आज के दिन आपको जो खाली समय मिलने वाला है उसका भरपूर लाभ लें और अपने परिवार के साथ कुछ प्यार भरे पल गुजारें। क्या आपने कभी गुलाब और केवड़े की महक को एक साथ महसूस किया है? आज आपकी जिंदगी प्यार मोहब्बत के नज़रिए से ऐसे ही महकने को तैयार है। सेमिनार और गोष्ठियों में हिस्सा लेकर आज आप कई नए विचार पा सकते हैं। हितकारी ग्रह कई ऐसे कारण पैदा करेंगे जिनकी वजह से आज आप खुशी महसूस करेंगे। इस बात की प्रबल संभावना है कि आपके आसपास के लोग आप दोनों के बीच मतभेद पैदा करने का प्रयास करेंगे। अत बाहरी लोगों के कहने पर अमल करना ठीक नहीं होगा। भाग्य अंक आज का 1 रहेगा। उपाय करना है कि कांसे की थाली का प्रयोग खाने के लिए करना प्रेम संबंधों के लिए शुभ रहेगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये था 29 सितंबर 2020 का तीन राशियों का राशिफल, मेष, कन्या और मकर। दोस्तों, यदि आपको मेरा बताया हुआ राशिफल सत्य लगे, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना और कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। इसी के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार। फिर मिलूंगा नई ऑडियो वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।